तो आज मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ पे मॉल आई हूँ, गौर सिटी मॉल, यहाँ पे क्रोमा है। तो गेस व्हाट, आई एम बाइंग आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो आज मैं बुकिंग कराने आई हूँ क्योंकि 16 सितंबर को वो इंडिया में लॉन्च हो रहा है, तो प्री बुकिंग चल रही है ऑलरेडी। बिकॉज उसके बाद अगर हम प्री बुकिंग नहीं करेंगे तो थोड़ा इट कैन गेट अ लिटिल बिट हार्ड टू यू नो गेट योर हैंड्स ऑन द फोन। सो आई जस्ट केम हियर, सो आई शो यू लाइक व्हाट, अभी तो आया नहीं है, सो आई जस्ट हैव टू पे लाइक 2000 रुपीज़ फॉर बुकिंग एंड देन आई जस्ट बुक इट एंड ऑन 16 सितंबर होपफुली आई गेट इट। सो आई एम ट्राइंग टू प्री बुक राइट नाउ और मैंने गोल्ड कलर देखा है, तो अगर आज बुक करूँगी ना मुझे मिलेगा लाइक आप 16th को मिलेगा। ओके, सो लाइक द अमाउंट इज, मैं 128 GB में ले रही हूँ एंड द अमाउंट इज 1,39,000 फॉर 128 GB, और अगर 14 256 में लूँगी तो इट विल बी लाइक 1,49,000। सो दिस वन इज आई चॉइस, इट्स गोल्ड कलर है। सो आई बुक द iPhone 14 Pro Max, हियर इज माई बिल। अभी मैंने खाली 2000 रुपीज़। आज ना मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि संडे है। अभी मेरा काम हो गया है, मैंने बुकिंग करा दिया, कल मेरे को फिर से एक और बार जाना है क्योंकि वो सम दे विल चेक सम एलिजिबिलिटी और समथिंग लाइक दैट। और कल जाके मैंने, क्योंकि आज प्री बुकिंग कराई है, उन्होंने मेरे को बिल दिया है, फ़ोन में भी आया मेरे पास बिल, सो आई जस्ट हैव टू शो देम एंड गेट माई pay them and get the iPhone 14 Pro Max. I am so excited. Okay, I got it in the gold color. So let's see. Or kal subah, not kal subah but 16th ko you will get it around 8 o'clock in the morning. So I have to be here. Unhone bola agar aap nahi honge to agar same day mein hi aa jaoge so you will get it, otherwise they will they are not sure that if you will get it on 16th, अगर मैं मिस कर दूंगी तो आई हैव टू बी देयर बाय 16th 8 o'clock इन द मॉर्निंग बिकॉज बहुत लंबी लाइन होगी। और अब मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड से मिलने, कोरियन फ्रेंड से मिलने, उनके साथ डिनर करने के लिए। तो अगर मैं वहाँ पे शूट कर पाती हूँ तो करूँगी, नहीं तो इस वाले ब्लॉग को मैं अपने आईफोन 14 जब लूँगी तो उस वाले में मैं डाल दूँगी। गाइज लुक, कौन है ये, पहचानो कौन? कितने दिन बाद जूलियो से मिल रही हूँ। शी लुक्स सो क्यूट। तो गाइस अभी हम लोगों ने डिनर खत्म कर लिया है और हम जा रहे हैं, खत्म हो गया, अब हम जा रहे हैं घर। चलो हाय गाइस, सो आज मुझे आईफोन प्रो मैक्स लेना था 14, बट कहीं पे भी नहीं मिला, जहाँ पे मैं ने प्री बुकिंग कराई थी वहाँ पे भी नहीं मिला क्योंकि वो आई नहीं रहा स्टॉक में। सो आई बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग एंड देन आई केम टू अनदर मॉल टू गेट इट, बट यहाँ पे भी इवन एप्पल स्टोर में भी नहीं है और कहीं पे भी नहीं है, राइट? सो नाउ आई एम जस्ट लुकिंग लाइक 2-3 डेज में आएगा, या फिर एप्पल वाले तो बोल रहे कि 1 वीक भी लग सकता है, सो आई हैव टू वेट दैट लॉन्ग। और नाउ आई एम बाइंग सम बैग फॉर माई फ्रेंड्स बिकॉज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, और लाइक आई एम गोना गेट हर सम नाइस बैग बिकॉज ही ऑलवेज गिव्स मी सच नाइस थिंग्स। सो और बस अभी फिलहाल तो यही कर रही हूँ, अभी देखती हूँ मैं भी दूसरे में जाके भी चेक, आई चेक इफ आई कैन गेट इट समवेयर। सो गाइज टुडे इज 16 सितंबर और आज इंडिया में लॉन्च होना था आईफोन 14 और मैं सुबह से लाइन में वेट कर रही थी बिकॉज मैंने बुक कराया हुआ था 14 प्रो मैक्स, बट अनफॉर्चुनेटली 14 प्रो मैक्स कहीं पे भी नहीं है। मैं इतने सारे क्रोमाज में घूमी हूँ इसी चक्कर में, आईफोन इवन एप्पल शोरूम्स में भी नहीं है, एप्पल स्टोर्स में भी नहीं है कहीं पे भी, एंड देयर टेलिंग मी कि हो सकता है 2-3 वीक्स लग जाए। आज मैंने अपना ड्राइवर बुलाया है, अपना नाम बताइए प्लीज। रानी मुखर्जी। हाँ, तो हम लोग गए थे सुबह से ढूंढ रहे हैं, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। I mean they have iPhone 14. Mm. They have iPhone 14. They have iPhone 14 Pro, but they don't have the Pro Max. हाँ, 14 Pro Max में they told me कि like कुछ दिक्कत आ रही है,
रीज़न उसका है जो हमें मालूम नहीं है क्यों नहीं आ रहा है. तो अभी देखते हैं, या तो 2-3 वीक्स वेट करना पड़ेगा. बट मैंने अपने भैया को फ़ोन करके बोला है, जो क्रोमा वाले भैया, वो जैसे ही आएगा वो मुझे बता देंगे. आई कैन नॉट वेट फॉर दैट लॉन्ग. इतना नर्वसनेस फील हो रहा था सुबह से मुझे, एंड आई एम सो सैड राइट नाउ दैट आई डिड नॉट गेट इट. अब देखते हैं जो होता है, क्या कर सकते हैं. आज है 30th September और मैंने अपना प्री बुकिंग करा रखी थी आईफोन 14 प्रो मैक्स की ऑन 16 September, बट तब से मुझे अभी तक मिला नहीं है और इंडिया में वो आ ही नहीं रहे. इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड आईफोन प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स. तो मैंने फाइनली आई हैव मेड पीस विद 14 और मैं वही खरीद रही हूँ चुपचाप, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. सो अभी थोड़ी देर में, अब मैं ये जो ब्लॉग बना रही हूँ ये अपने पुराने फ़ोन से बना रही हूँ. छोटा है, साइज छोटा है, बट ठीक है. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. काम चल जाएगा. फाइनली मैंने खरीद लिया. अब मैं जा रही हूँ जिम. बस यहाँ पे मैं अपना फ़ोन पुराना वाला, इसको फैक्ट्री रीसेट करा रही हूँ, और जब ये हो जाएगा फिर मैं यहाँ से चले जाऊँगी. बड़े मुश्किल से मिला ये फ़ोन, बट आई एम हैप्पी, नॉट सैटिस्फाइड बट स्टिल हैप्पी कि कुछ तो मिला एटलीस्ट. तो अब मैं ब्लॉग कर रही हूँ अपने आईफोन 14 से ही. सो अभी मैं जिम चल के जा रही हूँ. ये मेरा जिम है, ब्लैक विगो, और पता नहीं एंट्री कैसे होगी, आप से नहीं चल रहे एक भी. तो मैंने वर्कआउट कर लिया फिनिश. अब मैं जा रही हूँ घर, पार्क करके कार. और यहाँ पे कुछ वो दुर्गा पूजा का लाइक फेस्टिवल चल रहा है, तो बहुत सारे फूड स्टॉल्स वगैरह लगे. तो मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला है आने के लिए, हो सकता है मैं जाऊँगी वहाँ पे. वाह, इतनी बात कर करके रिकॉर्डिंग का बटन ऑन ही नहीं करा और ऐसे ही बोलती गई इतना ज़्यादा. अभी मैं पार्क में हूँ, मेरी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ. पता नहीं कितने देर ढूंढना पड़ेगा. और अभी पता क्या हुआ, मैं जब लिफ्ट में थी ना तो मुझे कोई मिल गया लिफ्ट में, और मतलब मैं उनसे बात ही कर रही थी. जैसे मैं बाहर निकली ना, लिफ्ट का डोर बंद हो गया एंड आई ऑलमोस्ट गॉट स्टक इन द गेट डोर ऑफ द लिफ्ट. और इतना स्कैरी था, लाइक इट वॉज वेरी फनी बट सो स्कैरी. बोलो. हेलो. हाँ, ये मेरी फ्रेंड है, टेल अस योर नेम. निहालिका. अभी हम दोनों जा रहे हैं इधर किधर, रामलीला. हाँ, ऑपोजिट पार्क में है, तो काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे लोग. ओ, व्हाई इज इट सो क्राउडेड हियर. सभी निहालिका लेने जा रहे हैं काला खट्टा, वीडियो बना रहे हैं. बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो अभी हम लोग बाहर वापस जा रहे हैं. यहाँ पे दो टाइप के फंक्शन लगे, ये रामलीला और एक और है दुर्गा पूजा. अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं देखने, और देखते क्या क्या है वहाँ पे. ओ, आज यहाँ पे इतने ज़्यादा भीड़ हुई है ना, आज इतना भीड़ क्यों है? आज ये शादी है और फंक्शन अच्छा हो रहा है. वहाँ पे भंडारा लगा है पीछे में, तो पूरा लाइन लगी है लंबी सी खाने के लिए. मैं सोच रही हूँ मैं भी कुछ खा लूँ यहाँ पे, बिकॉज इट्स वेरी टेस्टी. दुर्गा पूजा है यहाँ पे. मेरा घर इस वाले बिल्डिंग में, तो मैं डायरेक्टली देख सकती हूँ.
यहाँ पे अंदर आके बिरयानी लिया है और के लिए शर्मा लिया है और ये तो खाती नहीं है तो मैंने इनको बोला कुछ और खा लो बट शी इज़ नॉट हंग्री. सो बस ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं एंटरटेनिंग यहाँ पे, इट्स ओनली फूड एंड अ लॉट ऑफ पीपल और कुछ शोज भी है बस. तो अभी हम लोग वापस जा रहे पार्क में बैठेंगे, थोड़े देर बातें गप्पे लड़ाएंगे.